रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस ए ट्रेनिंग फैशन। आप सब कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे। परवरदिगार आलम सबको सेहत और तंदुरुस्ती कामिला अता फरमाए। आजकल आप अपना खास ख्याल रखा करें मेरे सब बहन भाई व्यूअर्स सब्सक्राइबर भी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बच्चों की राइटिंग के लिए पेन, क्योंकि मैं मार्केट गई थी, मुझे मार्केट में बहुत अच्छे लगे कुछ पेन। अच्छा, मैं अपने बच्चों के साथ, जैसे कि मेरी बहनों के बच्चे दूसरे बच्चों के साथ या गर्ल्स के साथ, बॉयज़ के साथ बहुत अच्छे पेन की राइटिंग के बारे में शेयर करती हूँ, ताकि उनको भी पता चले कि अगर उन्होंने अपने लिए मार्केट से कोई पेन परचेज़ करना है या उनके पास कोई पेन है जैसे कि राइटिंग के लिए नहीं होता। कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं या बॉयज़ ऐसे हैं जो राइटिंग को सही नहीं लिख पाते, कुछ पेन उनके हाथ से नहीं राइटिंग को सही कर पाते, तो इसलिए मैं आपके साथ जो पेन शेयर कर रही हूँ बहुत तरह के पेन हैं, ताकि अगर आपको किसी भी तरह का पेन परचेज़ करना हो या आपको राइटिंग के बारे में भी पता चलेगा कि बारीक लिख रहे हैं कि मोटा लिख रहे हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी ही होती है। जैसे उर्दू के लिए पेन अलग होता है और इंग्लिश की राइटिंग के लिए पेन अलग होता है। तो जितने भी पेन शेयर करूंगी सबके आपको हिसाब से आप देख भी सकते हैं, और अपने लिए जो पेन आपको पसंद आए आप इसको मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है मेरा आइडियाज़ का ही चैनल है, मैं अपनी बहनों के साथ बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ शेयर करती हूँ। इसके अलावा मैंने थोड़े से ट्यूटोरियल भी डाले हैं, जो कि यकीन मेरे बहन भाइयों को पसंद आए और मुझे बहुत खुशी हुई है, उन्होंने मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। यही मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का तआवुन मेरे साथ हो, क्योंकि आप लोगों के तआवुन के बगैर हम यूट्यूब सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा उनके साथ ही चलते हैं। और आपके तआवुन का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, क्योंकि स्पोर्ट से बहुत अच्छे में चल रहा है चैनल, इसलिए आप सबका यूट्यूब व्यूवर्स का और इसके अलावा यूट्यूब सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं कहती चलूँ कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि आपको आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि जब आपने बेल आइकन का बटन क्लिक किया होगा तो कोई भी नई वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन फ़ौरन ही आ जाएगा, और फिर जब आप देखेंगे वीडियो तो आपको किसी भी तरह का आइडियाज़ चाहिए, जैसे कि हेयर स्टाइल के बारे में, ड्रेस के बारे में, किसी पार्टी वेयर के हिसाब से या ब्राइडल के हिसाब से। क्योंकि जब आप मेरे चैनल का विजिट करेंगे तो आपको मालूम है कि मैंने इसमें हर तरह के आइडियाज़ के बारे में ही वीडियो डाली हुई है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें घर बैठे इजीली अगर किसी भी तरह का उन्हें आइडियाज़ चाहिए, अब जैसे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के हिसाब से भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। कुछ मैंने ड्रेसेस की है, मैं मार्केट गई थी, मुझे बहुत अच्छे लगे ड्रेसेस, तो मैंने सोचा कि अब जैसे आपको मालूम जहेज़ और भरी के लिए ड्रेसेस के बारे में सोचता है इंसान, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो आपके साथ शेयर की। ज्वेलरी वगैरह की भी आपने देखी है और मुझे कमेंट्स किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। देख सकती हैं कि मैं मार्केट की तो मुझे पेन अच्छा लगा, मैं लेकर आई तो मैंने सोचा कि मैं आपको लिखना दिखाऊं कि इस तरह के पेन से कितनी अच्छी बारीक सी राइटिंग आती है। अब ये देखिए कितना प्यारा बारीक सा नफीस सा लिख रहा है, जो कि अलग अलग से भी आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है राइटिंग लिखी हुई, क्योंकि पेन ही की वजह से राइटिंग अच्छी आती है। अगर पेन इंक पेन अच्छा होगा तो इन पेन की वजह से ही कुछ बच्चे होते हैं ऐसे होते हैं जिनसे मोटी राइटिंग आती है, कुछ कुछ पेन की खूबसूरती ही अलग नज़र आती है, जिससे लिखा हुआ बहुत ही प्यारा और हसीन लगता है। आपको पता है कि मैट्रिक और 9th-10th के पैटर्न में भी होता है कि राइटिंग को ही देखा जाता है, अगर इससे राइटिंग अच्छी हो बच्चे की तो थोड़ा सा पेन की ही वजह से और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए तो नंबर ही बहुत अच्छे मिलते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको किसी भी तरह की अगर कोई और चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और आपको किस तरह की पसंद है, ताकि मैं अपनी बहनों के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ उसी तरह की वीडियो के आइडियाज़ के बारे में शेयर करूं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और नॉलेज में इजाफे के लिए चाहिए, बच्चों के हिसाब से ड्राइंग के बारे में चाहिए या मेहंदी के ट्यूटोरियल, जैसे कि ईद आने वाली है, या ड्रेसिस के बारे में, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ उसी तरह की वीडियो शेयर करूँगी, ताकि आपको घर बैठे ईजिली और फ़ायदा हासिल हो सके। अलावा अगर आपको किसी और तरह की वीडियो पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ उसी तरह की सेम वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं और कमेंट्स में मुझे बताते हैं कि हमें इस तरह की वीडियो पसंद है। क्योंकि दूसरी कंट्री में रहने वाली मेरी बहनें बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं और मुझे बताती हैं, मैं उसके हिसाब से उनके साथ वीडियो भी शेयर करती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी सिटी में, मेरी कंट्री में रहने वाली बहनें भी मुझे कमेंट्स में बताया करें कि उन्हें किस तरह की वीडियो पसंद है और किस तरह की वीडियो वो देखना चाहती हैं। इसके अलावा मेरे चैनल में बहुत अच्छे फैशन से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो कि अगर आप जब विज़िट करेंगी तो आपको और तरह की वीडियो भी मिलेंगी, जो कि अगर आपको पसंद आएंगी। सब बहन भाई अपना ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें बाहर आने जाने में, क्योंकि अब रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है, इसके हिसाब से आपने अब रोज़ा इबादत भी करनी है। अपनी ख़ास हिफाजत रखें कि जैसे बाहर जाते हैं मास्क वगैरह का इस्तेमाल लाजमी करें, इसके अलावा इबादत करनी है। इसमें हम सब बहन भाइयों के लिए भी दुआ कीजिएगा, ताकि अल्लाह ताला हम सबको भी सेहत तंदुरुस्ती कामिला अता फरमाए। आप सब बहन भाइयों की दुआओं के हम सब मुंतज़र होते हैं।
अगर आपको किसी और तरह की वीडियो देखनी है बच्चों के हिसाब से, जैसे पेंट कलर के हिसाब से या पेंसिल्स वगैरह के कलर पेंट के या मार्कर कलर के हिसाब से, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं बच्चों के साथ घर बैठे इजीली इस तरह की ड्राइंग के बारे में भी वीडियो शेयर करूँगी, ताकि मेरी बहनें या बच्चे इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, जिन्हें शौक़ होता है। कुछ बॉयज़ को, गर्ल्स को इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ उसी तरह की वीडियो शेयर करूँगी। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।